सास बहू सीरियल में आज हमारे साथ है लुबना. आपको बता दें 21 मई को शो ऑन एयर हुआ है. मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, उसमें अहम भूमिका निभा रही है. इसके आगे का जो सिलसिला है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो हम उन्हीं से जानेंगे. सबसे पहले नवाबों के शहर में बहुत बहुत इस्तकबाल आपका. बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि सास और बहू जो है वो यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं. वी हैव सास बहू, नॉट साजिश बट सीरियल, क्योंकि सास बहू को साजिश करते हुए कई बार देखा है, बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है. इट इज अ पार्ट ऑफ सीरियल. क्या बात है, एंड देयर इज नथिंग लाइक दिस सीरियल वर्ल्ड, सो प्लीज गो अहेड. या सो सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा कैरेक्टर जानना चाहेंगे. व्हाट इज योर कैरेक्टर ऑल अबाउट, क्योंकि जैसे हमने अभी प्रोमोज देखे थे, काफी फैसिनेटिंग लगा था हमें ये. हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव जो है वो एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो उसकी अपनी दुनिया है और वो अपनी आंखों से ये बड़ों की दुनिया देखती है. और उसमें उसको कैरेक्टर्स बड़े मज़ेदार दिखाई देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स बड़े यू नो डरावने दिखाई देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उसको बड़े क्वर्की दिखाई देते हैं. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक है. कहानी जो है वो रोज़ की कहानी है, जो जैसे रोज़ की एक कहानी होती है. अपने एक बच्ची है, उसके माँ बाप हैं, उसकी बहन है, दो बहनें हैं उसकी, एंड एक दादाजी हैं जो पहले कभी नवाब थे और अब उनकी मतलब हवेली भी गिरवी है. तो एक डाइंग कल्चर की कहानी है. बहुत सारी बात यू नो कहानियाँ हैं इसमें. मेरा रोल जो है इसमें, मैं रिफत वसीम मेरा नाम है कैरेक्टर का. और ये कैरेक्टर ऐसा है, इस समय जितना हमने क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है हमें ऑन एयर आके, और जो अभी तक हमने दिखाया है वो ये है कि हमारी मेरा जो बेटा है छोटा फवाद एंड मरियम, इन दोनों की टेंशन रहती है यू नो स्कूल के अंदर, बिकॉज एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं दोनों. एंड ये तो ये दुश्मन गैंग है मरियम की, और ये जो बच्चा है इसको सताते रहते हैं वो लोग. एंड ये लेडी चूंकि बहुत पोजेसिव, when she loves her family, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है. इस हद तक के वो negative भी हो सकती है इन लोगों के लिए, अपनी औलाद के लिए. तो उसको वो बिल्कुल मरियम नहीं भाती है क्योंकि वो उसके बच्चे को सताती है. अब तक हमने कहानी में यही रिवील किया है, has been my challenge. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मैंने कहा कि अब तो मैं यू नो आंखें बहू मटका के, जैसे आपके सास बहू साज वाला वैसा वाला. थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करते हैं मरियम. ईद लुबना, ईद आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेशंस करेंगी? थोड़ा सा लाइक सेट्स पे ही रहना है या फैमिली टाइम होगा, क्योंकि साल में एक बार आता है यू नो ईद? यस, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान ये है कि शायद हम सेट पर ही मनाएंगे ईद. यही जहन में था मेरा. ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तो सीरियल के साथ हमारा जुड़ा हुआ है कि हमारे फिर कोई फैमिली लाइफ रहती ही नहीं है. फिर तो आप यही सब कर रहे होते हैं कि आप हालांकि अच्छी बात क्या है हमारे सीरियल में कि हमें एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, हम एक्चुअली 15 दिन हुए हैं हम सब लोगों को शूट करते हुए, और एक हफ्ता हुआ है सीरियल को ऑन एयर आके. लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक साथ बैठे होते हैं, हम सब एक साथ खाने खाते हैं. रोज़ा इफ्तार जो होता है हमारे यहाँ बाकायदा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टी सेशन, बिकॉज सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि जो रोज़दार हैं और जो नहीं है वो सारे रोज़े एक साथ खोलते हैं. सेलिब्रेटिंग माई ईद विद माई न्यू फैमिली, एंड दैट्स द मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव फैमिली. मतलब लुबना इतनी मसरूफ तो नहीं होने वाली है कि अगर हम पहुँचते हैं सेट पर ईदी लेने के लिए तो तब क्या रिएक्शन होगा उनका? ईदी की बात जहां आती है तब तो सोचने मसरूफ मसरूफियत और बढ़ जाती है या फारिग हो जाएंगे? नहीं नहीं, वैसे हम बड़े दिल वाले लोग हैं, आप आइए तो सही. देखिए हम कैसे ईदी देते हैं और कैसे ईद मनवाते हैं आपकी. तो ऑल द वेरी बेस्ट लुबना, आई विश शो बहुत आगे तक जाए. लखनऊ से कैमरा पर्सन अमीश के साथ मैंने कहता सरीन, समाचार प्लस के लिए.